अपनी एडियम्स और की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक एडियम को। है, है? अब अगर आप इसका लिटरल सेंस देखें, तो क्या मतलब निकलता है? अपना पैर अपने मुंह में डाल लेना Put your foot in your mouth. तो जैसा कि एडियम्स के, तो तो के सही मतलब तक नहीं पहुंच पाएंगे आइए देखते हैं सीडियम का मतलब क्या है दो सेंटेंसेस देखेंगे जानेंगे इसको कैसे यूज करते हैं और क्या इसका मीनिंग है ही रियलाइज ही हैड पुट हिज फुट इन हिज माउथ आफ्टर जोकिंग अबाउट हर जॉब शी पुट हर फुट इन हर माउथ बाय मेंशनिंग हिज पास्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन अब यहां पे ही है एक इंसान है रियलाइज ही हैड पुट हिज फुट इन हिज माउथ आफ्टर जोकिंग अबाउट हर जॉब तो ये ही है जो ये जो मेल हैं इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने अपना पैर अपने मुंह में डाल लिया जब इन्होंने उसके जो ये लेडी हैं इनके जॉब के बारे में जोक किया शी ये जो लेडी put पुट हर फुट इन हर माउथ mentioning हिज पास्ट तो ये कोई इंसान दूसरा है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन अब पुट योर फुट इन इन योर माउथ या पुट हिज फुट इन हिज माउथ या पुट हर फुट इन हर माउथ का सिंपल मतलब है टू एक्सीडेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सीडेंटली होगा यह काम टू एक्सीडेंटली से समथिंग ऑफेंसिव एंबेरसिंग embarrassing और in appropriate जगह है नहीं मेरे पास आप समझ inappropriate. तो आप समझिए इन अप्रोप्रिएट तो टू एक्सीडेंटली से समथिंग दैट इज ऑफेंसिव एम्बेरसिंग और इन अप्रोप्रिएट कभी कभी आपसे भी ऐसा हुआ होगा कि लोगों के सामने बैठे हैं या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है वन टू वन भी हो रही है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए और जैसे ही आप वो बात बोलते हैं उसी समय आपको रियलाइज़ होता है अरे यार ये क्या बोल दिया उस मोमेंट के लिए उस स्पेसिफिक मोमेंट के लिए ये एडियम इस्तेमाल होता है पुट योर फुट इन इन योर माउथ तो कभी आप अगर ऐसी कोई चीज़ बोल दें गलती से जो आपने आपको नहीं बोलनी चाहिए थी बिकॉज इट इज इधर ऑफेंसिव और इन अप्रोप्रिएट और एम्बेरसिंग उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये होता है तो इस इंसान ने जब ये ही थे जो इन्होंने जब इसकी जॉब के बारे में जोक किया तो शायद वो जोक इनको अच्छा नहीं लगा ऑफेंसिव जोक जोक था जो ये लेडी थी तो किसी की जॉब के बारे में आप एकदम से जोक कर दें और फिर तो उनको रियलाइज बात कह दी शायद नहीं कहनी चाहिए थी पुट हर फुट इन हर माउथ बायशनिंग हिज पास्ट तो शायद इनका पास्ट जो भूतकाल इनका था पिछला समय था बहुत सही ना रहा हो कुछ ऐसी बात हो जो इनको सुननी पसंद ना हो तो कॉन्वर्सेशन में उनके की कोई बात कह दी अगर तो शायद इनको अच्छा ना लगे ये सोचते हुए इन्हें लगा कि अरे यार गलत बात हो गई तो शी पुट हर फुट इन माउथ मेंशनिंग हिज पास्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन तो यूज किया जाता है जब कोई चीज एक्सीडेंटली गलती से offensive you embarrassing you inappropriate bold to describe that situation we say put your foot in your mouth i hope this explanation helps you even if there is something still that you want to be further explained do let me know in the comments see you there take care